गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्लेक लाइम एंड क्लोरीन गैस। व्हेन क्लोरीन गैस पास्ड इन स्लेक लाइम टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्लेक लाइम लेंगे, उसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे। क्लोरीन गैस पास करने के बाद हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग मतलब कि डिस्ट्रॉयड कर देना, हटा देना, कपड़े के रंग को जो रिमूव कर देता है उसको हम ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इट इज़ ए क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। अब इसके बाद इसका प्रॉपर्टी जाना जाए कि प्रॉपर्टी क्या है। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ CaOCl2, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इट इज वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि विच गिव्स स्ट्रांग स्मेल ऑफ क्लोरीन, गिव्स स्ट्रांग स्मेल ऑफ Cl2 क्लोरीन। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाइट पाउडर, इट गिव्स स्ट्रांग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर ब्लीचिंग पाउडर किसी साल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, या एसिड से रिएक्ट करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 रिएक्ट विथ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म CaSO4, क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल। ये साल्ट है, ये एसिड है, बना क्या, कैल्शियम सल्फेट एंड रिलीज क्लोरीन गैस। सिमिलरली सेकेंड CaOCl2, अगर इसमें हम लोग CO2 गैस पास करें देन फॉर्म CaCO3 एंड रिलीज क्लोरीन गैस। तो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टी या ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इसका यूज जाना जाए कि यूज क्या है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूज फर्स्ट यूज है, इट इज यूज फॉर, पहला यूज है यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट, यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब कि कपड़े के रंग को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, रिमूव करता है, उड़ा देता है। सेकेंड यूज है इट इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और थर्ड यूज है यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग
ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें जर्म वगैरह होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दीज आर यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट फॉर ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज फॉर डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट हम लोग का अगला साल्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फार्मूला है CaSO4.5H2O, CaSO.5H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाफ एच टू ओ को हम लोग बोलेंगे हेमी हाइड्रेट बोला जाता है। चलिए इसका प्रिपरेशन देखा जाए तो इट इज प्रिपेयर्ड बाई जिप्सम। जब जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं CaS4.2H2O मीन्स कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको जब हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे तो POP का फॉर्मेशन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो CaSO4.5H2O प्लस 1/2H2O इज रिलीज, दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अगर इसको 100 से ऊपर अगर हम लोग हीट किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन नहीं होगा। मान लीजिए इसी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट कर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये बन जाता है CaSO4+2H2O, जिसको हम लोग एनहाइड्रस साल्ट बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा टेम्परेचर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम लोग लेंगे या 373 केल्विन लिया जाता है। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पे अगर हीट करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग POP के नाम से जानते हैं। यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जनरली इम्पॉर्टेंट है यूज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये आपका वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो इट इज़ वाइट पाउडर, जिसको हम लोग वाइट सीमेंट के नाम से जानते हैं। यूज, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर जब हो जाता है तो उस हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं। अगला यूज होता है इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉय, जो भी मतलब कि खिलौने जो बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। नेक्स्ट यूज है इट इज यूज इन लेबोरेटरी फॉर सीलिंग गैप इन ऑपरेटस। तो दीज आर यूज फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला हमारा यूज है इट इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर बोन फ्रैक्चरिंग। नेक्स्ट यूज हमारा है इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉय। नेक्स्ट है आपका इट इज यूज इन लेबोरेटरी फॉर सीलिंग गैप ऑफ ऑपरेटर्स। तो आज हम लोग ये देखा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका यूज क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब ये जो है चैप्टर जो सेकेंड है लगभग हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर फोकस करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।